जैसे हर त्योहार के पीछे एक कहानी होती है, वैसे ही नागपंचमी के पीछे भी एक कहानी है। नागपंचमी की शुरुआत कहाँ से हुई, सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूँ, भगवान श्री कृष्ण ने कालिया सर्प का पराभव किया था। वो दिन था श्रावण में पंचमी का दिन था, तभी से नागपंचमी सभी लोग अपने अपने घरों में सेलिब्रेट करते हैं, मनाते हैं ये त्यौहार। इस त्यौहार के पीछे अलग अलग मान्यता है, अलग अलग भागों में अलग अलग तरीके से नागपंचमी की पूजा की जाती है। हमारे कोंकण में तो नागपंचमी की पूजा हर घर में आपको देखने के लिए मिलेगी। मैं भी एक कोंकणी हूँ, तो मैं भी मेरे घर पे आज नागपंचमी का त्यौहार सेलिब्रेट करती हूँ और आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि मैं पूजा कैसे करती हूँ। तो आप भी मेरे साथ मेरे पूजा में शामिल हो जाइए। चलिए हम शुरुआत से पहले तो मैंने आज सुबह खाना बना के भगवान के लिए प्रसाद बनाया और भगवान को दिया लगा के अभी ये सब जो आप देख रहे हैं सभी तैयारियां मैंने कर ली। पहले के जमाने में क्या होता था, नागपंचमी के दिन पे अपने अपने घरों में जो दीवारें होती थी उनके ऊपर नागों का चित्र बना के धूप और दिया लगा के भगवान को फूल और दूध चढ़ा के पूजा की जाती थी। अभी नागपंचमी के लिए ऐसे ना छोटी छोटी सी मूर्तियां मार्केट में आपको अवेलेबल हो जाती है, तो हम बस इन मूर्तियों की पूजा करेंगे और बहुत अच्छी तरह से और खुशी से सेलिब्रेट करेंगे नागपंचमी का त्यौहार। अभी मैं पूजा करने के लिए शुरू कर रही हूँ और पूजा करते करते मैं आपको सुनाऊंगी नागपंचमी की पीछे जो कहानी है। ठीक है, तो आप सुनिए और पूजा कैसे करती है वो आप देखिए। सबसे पहले तो हम इन मूर्तियों को यहाँ पे ऐसे विराजमान कर देंगे। नागपंचमी के पीछे जैसे मैंने आपको बताया कि बहुत सारी कहानियां हैं, तो उनमें से एक कहानी आपको बता रही हूँ, आप सुनिए। कहानी ऐसी है कि एक किसान था, उसे एक छोटी सी बच्ची थी 10-12 साल की, तो उसे लेकिन कोई भाई बहन नहीं था, उसकी अपनी माँ नहीं थी, उसकी सौतेली माँ। वो उसे बहुत काम भी कराती थी और उसे खाना भी नहीं देती थी, उसे बहुत परेशान करती थी। तो वो छोटी बेचारी बच्ची एक दिन रोते रोते चली गई अपने खेत में, और जब वो चली गई तो वो बहुत रो रही थी। उसे देख के वहाँ पे ना एक सांप आया, और तो वो सांप ने उससे पूछा कि क्या हुआ, तुम क्यों रो रही हो। वो लड़की छोटी सी थी, वो डर गई। वो सांप ने उसे बोला कि तुम उससे डर मत, मैं तुझे कुछ नहीं करूँगा। तो वो लड़की ने बोला, कुछ नहीं, मेरी सौतेली माँ है, मुझे खाना नहीं देती है और मुझसे सब काम कराती है। तो फिर वो सांप ने बोला, तू डर मत, तू मेरे साथ चल और मेरी पूंछ पकड़ के मेरे साथ चल। वो सांप उसे अपने घर पे लेके गया, मतलब उसके बिल में लेके गया। तो वो लड़की उसके घर पे गई, सांप के घर में, मतलब वो बिल में चली गई। तो लड़की ने देखा कि वहाँ पे बहुत सारी अलग अलग तरह की मिठाइयाँ, स्वादिष्ट खाना रखा था, तो और बहुत सारे हीरे जवाहरात मोती सब रखा था। तो वो लड़की ये सब देखे बहुत खुश हो गई, और फिर वो सांप ने उसे कहा कि तू ये सब खाना खा सकती है और यहाँ पे ऐसा आराम से तू रह सकती है, आज से मैं तेरा भाई। तो ये ऐसी भी एक मान्यता है कि जब नागपंचमी का त्योहार आता है तो भाई ससुराल से अपने बहन को मायके लेने के लिए आता है, ये भी मान्यता है। तो वो कहानी ऐसी है कि एक गांव में किसान रहता था, उसके बहुत सारी खेती थी। उसकी खेती में एक सांप का बिल भी था जो उसे नहीं पता था। एक दिन क्या हुआ, ऐसे ही वो खेती करते करते अपने खेतों में हल चलाते चलाते उसके हल के नीचे सांप के दो बच्चे आ गए और वो कटकर मर गए, और वो अपने घर पे चला गया। और उसे उसे तब पता नहीं था कि उसे अनजाने में ऐसी भूल हुई है। थोड़ी देर बाद वहाँ पे वो नाग नागिन आए और उन्होंने देखा कि अपने बच्चों को ऐसे मरा हुआ जब उन्होंने देखा तो उन्हें बहुत दुख हुआ और वो बहुत क्रोधित हो गए, उन्हें बहुत गुस्सा आया। और उन्होंने तब ठान लिया कि जिस भी किसान ने ऐसा मेरे बच्चों के साथ किया है वैसे ही हम लोग भी उसी तरह से उसका पूरा वंश जो है निर्वंश कर देंगे और उसे इसकी सजा जरूर देंगे। तो इस प्रकार
एक रात को जब भी किसान अपने घर में अपने परिवार के साथ सो रहा था, तो सब उनके घर वाले जब सो रहे थे, तो रात को ये नागनागिन उनके घर पे चले गए और उन्होंने सबको दंश करके मार डाला, सबकी मृत्यु हो गई। फिर कुछ देर बाद उन नागनागिन को पता चला कि इस किसान की और एक बेटी भी है जिसकी शादी हो चुकी है और वो किसी बाहर गाँव में है, यहाँ पे वो नहीं रहती। तो एक दिन क्या हुआ, वो दोनों भी जो नागनागिन थे वो चले गए उस लड़की के घर पे। उन्होंने देखा कि वो जो लड़की है वो अपने घर पे अपने दीवार पे नागनागिन का चित्र बना के फूल चढ़ा के नैवेद्य प्रसाद रख के पूजा कर रही है और पूजा करने में वो बहुत व्यस्त थी, मग्न थी। तो जब उन्होंने देखा तो वो बहुत प्रसन्न हो गए। लड़की ने जब आंखें खोली तो उसने अपने सामने नागनागिन को सामने पाया। तो वो जो नागनागिन थे, नागनागिन ने वो लड़की से कहा कि हम तो तुम्हारी पूजा देख के बहुत प्रसन्न हुए हैं, लेकिन कल रात को जो जो हुआ वो सब उसके पीछे जो भी आप लिखी थी, जो भी कहानी थी, उन्होंने बताया कि हमने तुम्हारे पूरे वंश का सर्वनाश कर दिया है। वो लड़की बहुत रोई, बहुत दुखी हुई, लेकिन फिर वो नागनागिन ने कहा, लेकिन तुमने पूजा की है, हमने देखा कि तुमने इस तरह से हमारी पूजा की है, हम उस पर प्रसन्न है, इसलिए हम तुझे आज ये अमृत दे रहे हैं, ये अमृत तू लेके जा और अपने घर वालों को दे दे, वो फिर से जीवित हो जाएंगे। वो लड़की वो अमृत लेके अपने घर पे चली गई और उसने अपने पूरे परिवार को फिर से एक बार जीवित कर दिया। और तभी से वो जो किसान ने अपने घर पे नाग देवता की मूर्ति की स्थापना की और पूजा करनी शुरुआत कर दी। और ऐसी थी ये कहानी नागपंचमी। नागपंचमी की बहुत सारी मान्यताएं हैं जो बचपन में हम सब सुनते आ रहे हैं, मैंने भी बहुत सारी मान्यताएं सुनी हैं, जैसे कि आज के दिन कोई तली हुई चीजें खाई नहीं जाती या फिर अपने घर पे बनाई नहीं जाती है, तवे पे रोटी नहीं सीकी जाती है, और जो भी कटिंग होती है या जो वेजिटेबल सब कट करते वो आज के दिन नहीं करते, ऐसी भी बहुत सारी मान्यताएं हैं। लेकिन जैसे जैसे वक्त बढ़ता चला गया और आधुनिक भारत की तरफ जैसे हम बढ़ रहे थे, वैसे वैसे सब ये रीति रिवाज जो भी मान्यताएं हैं वो धीरे धीरे वक्त के अनुसार पीछे छूटती गई। तो लेकिन ऐसे मैंने बहुत सारी कहानियाँ सुनी है, मान्यताएं सुनी है, बहुत सारे लोग शायद गांव गांव में ऐसे करते भी होंगे, इस तरह से हर चीज़ को मानते भी होंगे, लेकिन हम तो ऐसे ही घर पे अपने पूजा करते हैं, या अगर हमारे घर के आसपास कोई भी मंदिर है तो हम मंदिरों में जाते हैं और पूजा करते हैं, अपने लिए भगवान से मनोकामना करते हैं। और इस साल तो मैं यही भगवान से मनोकामना करती हूँ, यही भगवान से मैं मांगती हूँ कि ये जो कोरोना का संकट है वो जल्द से जल्द हमारे देश से नहीं, पूरे जग से ये कोरोना चले जाए और चला जाए और बस और कुछ नहीं। और आप भी ऐसे ही इस तरह से आपके घर में त्यौहार मनाइए, बाहर मत जाइए ज़्यादा, और भगवान को ढूंढने के लिए कहीं बाहर जाने की ज़रूरत नहीं होती है, भगवान के लिए बहुत सारी तैयारियाँ तामझाम करने की भी कोई ज़रूरत नहीं होती है। जो भी आप अपने श्रद्धा से सच्चे मन से सच्चे प्यार से जो भी आप अपने भगवान को चढ़ाते हैं, भगवान खुशी खुशी से वो सारी चीज़ों को ग्रहण करते हैं, खुशी खुशी से आपको बहुत सारा ढेर सारा आशीर्वाद देते हैं। और इसी तरह से मैंने मेरे घर पे आज नागपंचमी की पूजा संपन्न कर ली है और अब हम नाग देवता को आज जो प्रसाद है वो आज चढ़ाएंगे। और भगवान से आज के दिन यही प्रार्थना करेंगे कि हमसे अगर कोई भूल चूक हुई है माफ कर दीजिए और हम पे यूँ ही आपका आशीर्वाद बरसाते रहिए। और अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है नागपंचमी का, तो मेरे वीडियो को लाइक जरूर कर देना, मुझे कमेंट जरूर कर देना, और जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सो प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल ड्रीम्स ब्लॉग। और हम मिलेंगे आपसे मेरे नेक्स्ट वीडियो में, फिर से एक बार आपको हैप्पी नागपंचमी।